गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर 3। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नेम इज आउटपुट डिवाइस। इन प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीट द लेसन नंबर 1, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एंड कंप्लीट द लेक्चर लेसन इनपुट डिवाइसेस। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लेसन नंबर 1 कंप्यूटर की बुनियादी बातें और लेसन नंबर 2 इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट किया है। आज से हमारा ये थर्ड नंबर का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस का मीनिंग देखेंगे या डेफिनेशन देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। फर्स्ट वी लर्न इन इंग्लिश, अ पेरिफेरल एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस दैट रिसीव एंड और डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इसी डेफिनेशन को पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। एक ऐसा बाहरी पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब जिसको आप आसानी से लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, पेरिफेरल हार्डवेयर उपकरण जो कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त करके यूजर को दिखाता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं या वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मतलब यूजर द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को यदि आउटपुट के रूप में देखना होता है तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस का होना ज़रूरी होता है, और जिस डिवाइस से आप उस आउटपुट को देखते हैं तो वही डिवाइस आपका आउटपुट उपकरण कहलाता है। अब इस मीनिंग को या इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बायोडाटा बनाया, क्लियर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप सभी लोग परिचित हैं, है ना, 9th-10th में हमने इसे पढ़ा है। बायोडाटा में सपोज मैंने फर्स्ट लाइन में मेरा नाम लिखा है, क्लियर। अब नाम लिखने की प्रोसेस यहाँ पर मेरी क्या हो गई, इनपुट, ठीक है। इनपुट होने के लिए, इनपुट देने के बाद डेटा प्रोसेस होने के लिए जाएगा, प्रोसेस होगी आपकी सीपीयू में। प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट में मेरा नाम। तो जब आउटपुट में मॉनिटर पे ये चीज आपको दिखेगी तो ये आपका आउटपुट कहलाएगा। अब आपने इनपुट यहाँ पर किससे दिया है, कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। मतलब नाम टाइप करने के लिए आपने क्या यूज किया होगा, कीबोर्ड यूज किया होगा, तो कीबोर्ड यहाँ पे आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, क्लियर। अब इनपुट डिवाइस से जब आपने कीबोर्ड से नाम टाइप किया, वही नाम जब आपको मॉनिटर पे दिखेगा, नाम आप कहाँ पर देख रहे हैं, मॉनिटर मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो मॉनिटर आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, क्लियर। इनपुट डिवाइस अलग होता है और आउटपुट डिवाइस अलग होता है। इनपुट डिवाइस का यूज हम इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को यदि एंटर करना है तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जबकि एंटर की गई इंफॉर्मेशन को रिजल्ट के रूप में देखने के लिए क्या करते हैं, हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो यहां पर मॉनिटर आपका क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो यूजर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करता है और एंटर करने के बाद जब वो उसे रिजल्ट के रूप में देखना चाहता है तो जिस डिवाइस की मदद से वो देखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस, क्लियर। यूजर ने कोई इन्फॉर्मेशन एंटर की, रिजल्ट के रूप में जब वो जिस डिवाइस से उसे देखेगा तो वो आपका कहलाता है आउटपुट डिवाइस। तो अब हम आउटपुट डिवाइस के जो टाइप्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के प्रकार। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, है ना। अब हम आउटपुट डिवाइसेस के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। इसमें फर्स्ट होता है आपका मॉनिटर, मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है VDU। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में भी पूछा जाता है तो आप इसे नोट डाउन करें और लर्न करके रखें। अब मॉनिटर से आप सभी लोग परिचित हैं कि मॉनिटर क्या होता है और कैसा दिखता है। 9th-10th में आपने लैब में प्रैक्टिकल करा है तो मॉनिटर यू ऑल्सो नोन कि मॉनिटर क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस,
अभी तक हम इनपुट पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मॉनिटर आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। अब मॉनिटर भी यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर, है ना, लाइक सीआरटी एंड फ्लैट, जिसके बारे में डिटेल हम आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। मैंने अभी यहाँ आपको शॉर्ट में बताया है कि मॉनिटर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। नाउ सेकेंड वन इज प्रिंटर। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज टू प्रिंटिंग। इसका यूज हम काय के लिए करते हैं, प्रिंटिंग के लिए करते हैं। जैसे आप फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो प्रिंट निकलवाते हैं, तो प्रिंट के लिए आपका क्या यूज होता है, प्रिंटर यूज होता है। क्लियर। नाउ थर्ड वन इज प्लॉटर। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस और एंड इट इज यूज टू डिजाइन द बिग इमेजेस। इसका यूज हम जो बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं, जो हम कंप्यूटर पे आसानी से ड्रॉ या प्रिंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लॉटर यूज करते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक फ्लैट ब्लेड प्लॉटर, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन भी हम आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। नाउ फोर्थ वन इज स्पीकर। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज टू लिसन म्यूजिक वीडियोज एक्सेट्रा। इसका यूज हम सुनने के लिए करते हैं। आप सुनेंगे किसकी मदद से, हम स्पीकर की मदद से। तो स्पीकर हमारा क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है।